हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका तो फिर से नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हैं हम बादशाहित हॉल रानी चौरी में। तो हमें जाना है, अभी एक टेंपल दिख रहा है सामने की तरफ को, दिखाते हैं आपको टेंपल। तो भाई, ये जो टेंपल आपको हल्का सा दिख रहा है, तो हम जाने की सोच रहे हैं वहीं पर। देखते हैं कौन सा मंदिर है, अभी हमें पता नहीं है कि किस चीज़ का मंदिर है। तो अभी हमें बादशाहित हॉल में, ये हम बादशाहित हॉल में साथ में मेरा दोस्त है भाई। व्यू आप चेक कर सकते हैं सामने की तरफ को, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। ये कुछ तरह का नज़ारा है इस समय मॉर्निंग में। ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहीं पे। तो गाइस, हम जा रहे हैं अभी हम टीरी वाली रोड पे। और भाई, मौसम हो गया है साफ, तो हमारा एकदम से प्लान बना जाने का। पहले हमारा कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन यार हमारा एकदम से प्लान बन गया कि चलो चलते हैं मंदिर, क्योंकि हमने पहली बार ही देखा उस मंदिर को। तो हमें लगा कि यार चलो चलना चाहिए। मेरे साथ गया मेरा दोस्त आसिफ। और भाई, वीडियो जो शूट हो रही है आसिफ, तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं अपने, जहाँ से हमें जो है मंदिर के लिए जाना है। तो यार पता करेंगे किसी से किधर पे जाना है। तो भाई, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से जस्ट 500 मीटर दिखा रहा है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलते हैं। तो गाइस, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है सामने की तरफ को, आप देखते हो थोड़ा कच्चा रास्ता है। यहाँ से अभी हमें थोड़ा सा और आगे जाना है, तो ये वाली रोड है जो कच्चे वाले रास्ते जा रहे हैं, तो इसमें जाएंगे आगे। यहाँ से जस्ट 500 मीटर है। तो गाइस, हमने पैदल ट्रैकिंग करनी शुरू कर दी है। धीरे धीरे चलते रहेंगे, ज़्यादा हमें लगेगा 20 से 25 मिनट। तो चलते हैं 20-25 मिनट पैदल पैदल। बाकी ठीक है, वैसे बाइक आ सकती है ऊपर, बट थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि रोड थोड़ा उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि रोड की कंडीशन इस तरह की है कि भाई अगर गिर गया ना तो चोट ठीक ठाक लग जाएगी, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि गाड़ी भी नहीं है। तो गाइस, सामने आप देख पा रहे होंगे, तो सामने है चंबा बाज़ार, जो दिख रहा है आप बहुत प्यारा सा। तो गाड़ी बेसिकली यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो एक छोटा सा ताल बना रखा है, जो स्पेशली इसलिए बनाया जाता है कि पानी को थोड़ा सा स्टोर किया जाए थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि इसमें जंगली जानवर हो गए, चाहे पालतू जानवर हो गए, उनके लिए जो है पानी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि भाई ऊँचाई पर क्या होता है कि पानी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो है इस तरह की बनाई जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही बनाया जाता है। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हम जा रहे हैं जस्ट मंदिर के अंदर। तो भाई, बस कुछ चंद सीढ़ियाँ हैं मंदिर को चढ़ने के लिए, और उसके बाद जो है ये देखिए भाई। तो भाई, ये है सामने मंदिर, कितना प्यारा बना रखा है, उसको मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, देख लो आप। पुजारी जी यहाँ पे जो है सफाई कर रहे हैं। जय देवभूमि, जय शिव शंभू। दोस्तों, यह है ऋषभ देवता का टेंपल, जो कि लामकोट गांव का कुल देवता माना जाता है और रक्षक भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये मंदिर है जो हमने बादशाहित हॉल से देखा था। हमें लगा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हम बहुत इजीली जो है यहाँ पे पहुँच गए थे। और हमें फर्स्ट टाइम ही पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे करके जो है यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा मंदिर है करके। हमें नाम भी जो है तब जाके पता चला जब जो है हमने लोगों से पता करा कि भाई हमको उस मंदिर तक जाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो गाइज, सावन का महीना चल रहा है, और वैसे भी जो है शिव मंदिरों में भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और हम जा रहे हैं अभी दर्शन के लिए, और दर्शन करेंगे और टीका लेंगे, उसके बाद जो है अगल बगल की चीज़ें दिखाएंगे। बाकी दोस्तों, यहाँ का जो दृश्य है बहुत प्यारा है, क्योंकि पहाड़ी का टॉप है, और यहाँ से जो चारों तरफ जो है बहुत ही प्यारा व्यू देखने को आपको मिलेगा।
अच्छे मंदिर में भाई, मंदिर बहुत साफ सुथरा है, तो हमने मंदिर में दर्शन करने सब कुछ कर लिया। इस बार हम जा रहे हैं, हमें लोगों को यहाँ पे आधा घंटा मिला, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है भाई। अगर आप चंबा आ रहे हो, आपको पता नहीं है, तो भाई जरूर आए, यहाँ पे बहुत ही प्यारा मंदिर है भाई, पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, और इतना प्यारा मंदिर है कि मतलब आपका जो है यहाँ पे जाने का मन नहीं करेगा। हमें यहाँ पे एक घंटे साथ ही जाना है, हमें अभी दूर जाना चाहिए। ऋषार दीप्ता का टेम्पल डेडिकेटेड है बेसिकली महादेवपुर, और ये जो है लामकोट का कुलदेवता है, और जो है यहाँ का रक्षक भी माना जाता है। वैसे तो देवभूमि के कण कण में शिव का वास है, लेकिन अलग अलग जगहों में अलग अलग कथाएं, अलग अलग दंत कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। वैसा ही कुछ है यहाँ पे ऋषार दीप्ता का जो टेम्पल है, इसकी अलग दंत कथा है। माना जाता है यह पूरे गांव की रक्षा करता है, पूरे क्षेत्र में जो है शिव शंभु की अपनी कृपा बनी रहती है, जिससे जो है गांव में खुशहाली और क्षेत्र में जो है खुशहाली बनी रहती है। यहाँ की खास बात यह है कि यह पहाड़ी का टॉप है, जहाँ से आपको परियों का देश खैंट पर्वत दिखेगा, माँ चंद्रवदनी दिखेगी, और यहाँ से जो है माँ सुरकंडा देवी दिखेगी। उसके अलावा पूरा चंबा बाजार, नई टिहरी, पूरा यहाँ से जो है आपको रमणीक दृश्य आपको देखने को मिलेगा प्रकृति का। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, तो अब हम जाएंगे यहाँ से वापसी। हमने यहाँ पे लगभग 2 घंटे बिताए और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा, जो लोग भी नई टिहरी और चंबा आ रहे हैं, वो जरूर जो है ऋषार दीप्ता टेम्पल जरूर जाएं। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही रमणीक दृश्य आपको जो है प्रकृति को देखने को मिलेगा, एंड जो मान्यता है मंदिर की वो भी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है मंदिर की। तो गाइस अभी आप देख चुके हो, अभी हमें यहाँ से जाना थोड़ा सा पैदल, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा पैदल है, मुश्किल से मतलब 15 से 20 मिनट का रास्ता है भाई, लेकिन यार मतलब मज़ा आ गया इस टेम्पल में आके। तो हमने भी जस्ट इसको देखा था बादशाही हॉल से, तो हमारा एकदम से रैंडमली प्लान बना, क्योंकि हम पहले जा रहे थे अपने होटल में ही, लेकिन हमारा एकदम से प्लान बना कि भाई चलो चलते हैं मंदिर चलते हैं। तो हमने प्लान बनाया मंदिर चलते, क्योंकि आजकल जो है होटल में उतना काम कुछ है नहीं, और हमें जो है आज महादेव की कृपा से अगर हमें आज मौका था मिलने का यहाँ पे दर्शन करने का, तो भाई फाइनली हमें दर्शन हो गए। तो वही है कि अगर हमें बुलाया है भगवान ने, हमें अगर वहाँ की आज्ञा है जाने की, तो भाई टाइम अपने आप निकल जाता है, एंड सब कुछ बिल्कुल ओके हो गया, तो हम आ गए हैं और अब जस्ट हम निकलेंगे हम यहाँ से वापसी के लिए।